मेडिकल से संलग्न सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खर्रा थूकने गए एक 52 वर्षीय पुरुष पैर फिसलने से तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा, इसमें उसकी मृत्यु हुई है। अस्पताल प्रशासन इस घटना को आत्महत्या के तौर पर देख रहा है। मृतक का नाम दिगंबर हिरुलकर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुलढाणा के हिवरखेड़ की निवासी रंजना विष्णु सुर्वे को किडनी की बीमारी होने से शनिवार को नागपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया। रंजना के साथ उसका जीजा दिगंबर हिरुलकर और बहन मंगला दिगंबर हिरुलकर थे। उनके पहुंचने तक ओपीडी का निर्धारित समय खत्म हो गया था। दूसरे दिन रविवार छुट्टी होने से उन्होंने सुरक्षा गार्ड से हॉस्पिटल में रात भर रहने की गुजारिश की। इंसानियत के तौर पर गार्ड ने उनको तीसरी मंजिल पर विश्राम करने की सहमति दे दी। मृत हुए 52 वर्षीय पुरुष की पत्नी ने अजनी पुलिस को लिखित बयान में बताया कि सोमवार को तड़के लगभग 1 बजे पति खर्रा थूकने गया था, तब वह पैर फिसलने से नीचे गिर पड़ा। हमारे शोर मचाने के बाद सुरक्षा गार्ड दौड़ आए। पति पोर्च के छज्जे पर गिरे हुए थे। गार्ड ने वहां की कांच तोड़कर बाहर निकाला। उनको मेडिकल में उपचार के लिए ले जाया गया। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उसका एक पैर कृत्रिम था। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या ठिकाणी दिनांक 28 जुलाई 2023 च्या रात्री 12:30 वाजे सुमारास आमच्याकडे माहिती प्राप्त झाली। ही माहिती देणारी महिला नामे मंगला दिगंबर निंबुळकर, वय 45 वर्ष, राहणार हिवरखेळ तालुका खामगाव जिल्हा बुलढाणा, यांनी येऊन माहिती दिली की यांचे पती नामे दिगंबर रामा निंबुळकर वय 50 वर्ष हे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या ठिकाणी त्यांच्या नातेवाईकांसह त्यांचे एक दुसरे नातेवाईक पेशंट आहेत ॲडमिट, त्यांना भेटण्यासाठी आले असता ते तिसऱ्या मजल्यावर असताना त्यांनी काही गुटखा किंवा तंबाखू असं खाल्लेलं होतं आणि ते थुंकण्यासाठी गेले असता त्यांचा तोल गेल्याने ते तिसऱ्या मजल्यावरून पडून जखमी झाले, गंभीर जखमी झाले। त्यांना छातीला डोक्याला मार लागला होता। त्या अवस्थेमध्ये त्यांना ट्रामा येथे उपचारकामी भरती केलं होतं, परंतु उपचारादरम्यान 3:30 त्यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केलेला आहे। या संदर्भाने अजनी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी आम्ही ADR 83/2023 प्रमाणे CRPC 174 प्रमाणे दाखल केलेला आहे, त्याची चौकशी आम्ही करत आहोत। मृतक जे आहेत, मृतकाचे एका पायाने अपंग असल्याची माहिती आम्हाला प्राप्त झालेली आहे आणि भांडण वगैरे झाल्याचं असं कुठलाही त्या ठिकाणी प्रकार नसून असं अद्याप काही निदर्शनास आलेलं नाही। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।